हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टीनेजर्स लाइफ चेंजिंग टिप्स। हम एवरी सिंगल डे हम शावर के बाद टॉवल से अपने हेयर को ड्राई आउट करते हैं। टॉवल की हेल्प से अपनी बॉडी को, स्किन को पैट ड्राई करते हैं। टॉवल का यूसेज ही सबसे ज्यादा होता है क्योंकि हम बहुत बार हैंड वॉश करते हैं एंड दिन में एक से दो बार शावर लेते हैं, तो इसलिए टॉवल का यूसेज सबसे ज्यादा होता है। उसी वजह से हमने नोटिस किया होगा कि टॉवल का इतना यूज करने से उसमें से स्मेल आने लगती है क्योंकि हम टॉवल का इतना यूज कर रहे हैं बट उसकी क्लीननेस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें उसको वीकली वॉश करना चाहिए। अगर आपके टॉवल में जर्म्स होंगे तो आपकी बॉडी फेस पर भी आ जाएंगे, तो आपको वीक में एक बार वॉश करना चाहिए। फेस पैक के लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन, देन मैं इसमें 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर एड करूंगी। After that 2 to 3 tablespoon rose water को add करके इन सभी ingredients को mix कर लूंगी। Mix करने के बाद मैं इसको अपने पूरे face पर apply कर लूंगी। इसमें जो चंदन powder मैंने add करा है वो आपको cooling effect देगा and ये skin tone को improve करेगा and आपके dark spots and blemishes को fade करने में help करेगा। रोज वाटर आपकी स्किन को नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड ये रिंकल्स, फाइन लाइंस को दूर करता है। बेसन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो आपके फेस को साफ रखने में हेल्प करता है एंड आपके फेस से ऑयल डॉट को रिमूव करता है। अगर आप ये फेस पैक रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करोगे तो आपका फेस 7 डेज में ग्लो करने लगेगा एंड डार्क स्पॉट, एक्ने जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मैं इसको 15 से 20 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी एंड 20 मिनट्स के बाद इसको स्क्रब करके रिमूव करूंगी। हम अपनी स्किन की एंड हेयर की केयर तो कर लेते हैं बट अपनी बॉडी की केयर नहीं करते। हमारी बॉडी में जो टैनिंग हो जाती है, डेड स्किन का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से हमारी स्किन डार्क दिखने लगती है। तो आपको वीक में एक बार अपनी बॉडी पर कोई भी उपटन लगा के मसाज करें ताकि आपकी बॉडी से डर्ट, डार्कनेस, डेड स्किन रिमूव हो जाए। आप कोई भी उपटन या फिर जब आप फेस पैक लगाते हो तो उसी को अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। लगाने के बाद 5 मिनट तक मसाज करूंगी सर्कुलर मोशन में। मसाज करने से आपकी बॉडी से डर्ट एंड डेड स्किन रिमूव हो जाएगी एंड आपको हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग स्किन मिलेगी। मैं हमेशा स्किन केयर के लिए नेचुरल चीजों का ही यूज करती हूँ। बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जिसको आप खा भी सकते हो एंड अपने फेस पे लगा भी सकते हो। उनको डायरेक्टली अपने फेस पे लगा सकते हो या फिर उसको एज अ टोनर भी अप्लाई कर सकते हो। ऑरेंज का टोनर बना सकते हो एंड बनाना का फेस पैक में यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको आप अपने फेस पर लगा सकते हो। इससे आपकी स्किन एंड बॉडी को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर मैं बनाना पील ले रही हूँ और उसे मसाज कर रही हूँ। ऐसा करने से आपके फेस पर जितना भी डर्ट है, ऑयल है, इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएगी। मैं सर्कुलर मोशन में एंड जेंटल प्रेशर के साथ मसाज कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि उनके लिप्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, पैची हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब भी कुछ खाती हूँ मेरे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाने के बाद पानी से क्लीन कर लेती हूँ। आपको पैट ड्राई नहीं करना, आपको वाटर से क्लीन करना है एंड देन पैट ड्राई करना है। ऐसे करने से आपके कभी भी लिप्स ड्राई नहीं होंगे। आपको वीकली अपने लिप्स को स्क्रब करना चाहिए। स्क्रब करने के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कॉफी पाउडर एड करा है, 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड करा है और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके मैं अपने लिप्स पर एक्सफोलिएट करूंगी। अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स हैं या आपके लिप्स ड्राई हैं तो आपको ये स्टेप वीक में 2 बार करना चाहिए।
एक्सफोलिएट करते वक्त आपके लिप से डार्कनेस ड्राइनेस रिमूव हो जाएगी। आपको जेंटल प्रेशर के साथ एक्सफोलिएट करना है एंड आपको स्क्रब 2 मिनट तक ही करना है। कॉफी पाउडर एक्सफोलिएटर की तरह वर्क करता है एंड ये प्रिवेंट करता है डार्कनेस डेड स्किन एंड ड्राइनेस को। कोकोनट ऑयल हमारे लिप्स को सपल एंड सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। एक्सफोलिएट करने के बाद आपको वैसलीन अप्लाई कर लेनी है। अगर आप 20 प्लस हो तो आप अपने नेक पर फाइन लाइंस क्रिएट ना होने दें, क्योंकि अगर वो क्रिएट होने लग गई तो आपको रिंकल्स एंड एजिंग बहुत जल्दी होने लगेंगे। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम नेक मसाज करेंगे। आप बॉडी लोशन ले सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल भी ले सकते हो और उससे मसाज कर सकते हो। जैसा आप वीडियो में देख रहे हो आपको वैसे ही मसाज करनी है। आपको 5 मिनट तक ही नेक स्ट्रेचिंग करनी है एंड आपको ये स्टेप ट्वाइस इन अ डे करना है। इससे आपको फाइन लाइंस एंड रिंकल्स नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को डबल चिन की प्रॉब्लम होती है तो डबल चिन के लिए सबसे बेस्ट होता है नेक स्ट्रेचिंग। हेयर केयर के लिए मैं एक अनियन लूंगी एंड उसको ग्राइंड कर लूंगी। अगर आपकी हेयर की लेंथ ज्यादा है तो आप 2 अनियन ले सकते हो। ग्राइंड करने के बाद मैं इस पेस्ट को स्ट्रेन कर लूंगी ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। स्ट्रेन करने के बाद मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल ऐड करूंगी और इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हमें कॉटन की हेल्प से इसको अपने हेयर की रूट्स पे अप्लाई करूंगी। आप इसको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो एंड मैं इसको अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करूंगी। अनियन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कंट्रोल करता है हमारे हेयर फॉल को एंड रिस्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड प्रिवेंट करता है डैंड्रफ को एंड स्प्लिट एंड्स को। हमारे हेयर को शाइनी एंड स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड एंड फ्रीज फ्री बनाता है। इस मिक्सचर को लगाने के बाद आपको मसाज करनी है 10 मिनट्स तक एंड आपको मसाज सर्कुलर मोशन में करनी है एंड आपका प्रेशर बहुत ही जेंटल होना चाहिए। मसाज करने के बाद 2 to 3 आवर के लिए छोड़ देना है ताकि आपका स्कैल्प न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट को अब्सॉर्ब कर सके एंड देन शैम्पू कर लेना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको आपको ट्वाइस इन अ वीक अप्लाई करना है। आपको एवरी डे फ्रूट्स खाने चाहिए। आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एप्पल ही खाने हैं, बट अगर आप एप्पल खाओगे तो आपको बहुत हद तक आपकी बॉडी में चेंज दिखेगा। अगर आप अच्छा खाओगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर आप जंक फूड खाओगे तो वही आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट होगा। आपको दिन में 2 एप्पल ही खाने हैं, अदरवाइज आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। एप्पल रिच होता है फाइबर प्रोटीन विटामिंस न्यूट्रिएंट्स में। यह आपकी बॉडी में जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी एंड हेल्दी भी रहेगी। ये प्रोटेक्ट करता है आपके हार्ट को एंड मेंटेन करता है आपकी ब्रेन हेल्थ को।